हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट फीलिंग में आपके पर्सन का हाल आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। तो आपके पर्सन का हाल इस समय पर क्या है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, चलिए चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखते हैं कि इस समय के हालात उनके क्या हो रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर मैं अलग अलग रीडिंग करने जा रही हूँ, लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, तीनों के लिए एक अलग अलग से देखने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो मुझे लगा कि मैं सबके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ मैरिज वालों के लिए, सेकंड कार्ड ले रही हूँ लव वालों के लिए, और तीसरा कार्ड ले रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर मैरिज का कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में शादी का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, मैरिज आपकी नहीं टूटेगी। दूसरा, यहाँ पर लव वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए कार्ड, अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन इस समय नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं बर्डन में है, तो इस वजह से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। और ये कार्ड जो है वो लव रिलेशनशिप वालों के लिए है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें कहीं ना कहीं लव है, रिलेशनशिप में रहे हो, लिव इन में रहे हो, तो देखो पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, और फैमिली के प्रेशर की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके साथ इनका रिश्ता इस समय पर ब्रेकअप में है। लेकिन देखो, मेन चीज़ क्या हो रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में से जाना नहीं चाहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग हैं, किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से इनका जो रवैया है वो बदल गया है, रूप बदल गया है। लेकिन इनके दिल में प्यार अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और वो इस प्यार को नहीं छोड़ेंगे या इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे। तो ये जो कार्ड है, मैंने तीन लियो हैं और तीनों में ही डिफाइन करूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड है आपका मैरिज वालों के लिए, सेकंड कार्ड है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में डिफरेंट साइड मैरिड वालों के लिए, और तीसरा कार्ड है लिव इन लव इनके लिए। तो फर्स्ट कार्ड मैरिज वालों के लिए, मैंने बोला ना कि आपकी मैरिज नहीं टूटेगी क्योंकि वो मैरिज नहीं तोड़ेंगे, एंजल का आशीर्वाद है। देखो, आपके पर्सन का जो कार्ड आया हुआ है मैरिज वालों के लिए, मैं बोलूँगी आपके पर्सन ने दूरियों में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। चले तो गए हैं आपको छोड़कर, लेकिन शायद आपकी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है, कोई भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्यार बहुत दिख रहा है आपकी मैरिज में। लेकिन एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और इंसान है या कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है। अभी ये पर्सन आपसे दूर है लेकिन आपको हर पल याद कर रहे हैं। ये कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए सेकंड कार्ड है, मैं इसको भी लेना चाहूँगी सेकंड कार्ड को। वेडिंग, यहाँ पर वेडिंग की एनर्जीज भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत मजबूती दिख रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। और हो सकता है कि आप की जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका कुछ ऐसा रिश्ता हो जिसमें कहीं ना कहीं आप साथ में रहना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। और ये पर्सन के ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में है, परेशानियों में है, लेकिन बहुत तेज़ी से एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है, मतलब कि फीलिंग्स लव है और रीयूनियन होगा आपका इनके साथ। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। और अगर आप जो यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ आ रही है कि आप अपनी अगर रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो भी एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी फेवर में है, मतलब इनकी साइड से। अब लिव इन वालों के लिए कार्ड ले लेती हूँ मैं। देखो, लिव इन वालों के लिए या लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपको कि जो पार्टनर है वो जिस बर्डन में है उस बर्डन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर बहुत है और फैमिली की वजह से इन्होंने आपके रिश्ते को डिस्टर्ब किया है, फिर रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। लेकिन ब्रेकअप के बाद इनका हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहाल है आपके बिना, एंड कहीं ना कहीं ये खुद अब चाहते क्योंकि दूर नहीं रह सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो दूरियाँ वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। और मैंने इसमें राशियां नहीं बताई क्योंकि रीडिंग ही मैंने अलग अलग कर दी है, इसलिए नहीं बताई है। तो अपने अपने हिस्से की रीडिंग आप देख सकते हो। फर्स्ट आपकी मैरिज, यहाँ पर डिफरेंट साइड मैरिड, और यहाँ पर लव रिलेशनशिप या फिर लिव इन वाले भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स में भी देख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। और अगर पर्सनली बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो फिर नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।